हेलो क्लास एट इन टुडे सेशन वी आर स्टार्टिंग विद द ग्रामर ग्रामर इस रिलेटेडअल ग्रामर जो आपकी टेक्स्ट बुक में है उससे ही रिलेटेड है ये पहले आपने छोटे क्लास में शतक पढ़ लिया होगा हो सकता है आपका रिवीजन हो लेकिन अच्छा है आपका रिवीजन हो रहा है उसमें भी आपका फायदा ही है सो बिफोर स्टार्टिंग टू टॉपिक लेट्स इंट्रोड्यूस एंड पार्टिसिपल्स इन सब का एक रोल है जो ग्रामर में बहुत बड़े पैमाने पे हमने देखा है लाइक like टेंसेस में मॉडल्स में कई तारी तरीकों तारी से एंड इसका एक पार्ट है जो से पहले हमने पढ़ा था उसका भी हम आपको रिकैप्सुलाइजेशन यानी कि रिविजन कराएंगे जो है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स नेक्स्ट स्लाइड में आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का एग्जाम्पल और डिफरेंस और मीनिंग देखने वाले हो And non finite and verb. verb verb Definition: A a which which shows time or is is limited by number, person and the gender of the subject is known as finite verb. इसकी definition ये बताती है एक ऐसा काम जो समय को अपने साथ लेके चलता हो और उसमें गिनी हुई चीजें गिने हुए numbers, गिने हुए लोग गिने हुए gender एंड स्त्री या पुरुष के बारे में हमको कोई संज्ञा बताते हुए उसके साथ उसका काम बताता हो उससे हम फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं नेहा राइट लेटर नेहा एक ही है उसको खुद लेटर लिख रही है डे राइट लेटर्स दे मतलब वो एक से अधिक हैं वी है रिटर्न लेटर्स हम दो से अधिक है मतलब वी आ गया सो ये सारे एग्जाम्पल्स है फाइनाइट वर्ब के नाओ नॉन फाइनाइट वर्ब्स के डेफिनेशन अ वर्ब डेट डज नॉट शो टाइम जो कोई समय को अपने साथ लेके नहीं चलता हो और अ वर्ब विच इज़ नॉट लिमिटेड बाई नंबर जिसको हम गिन भी सकते नहीं हो नंबर्स में उसमें गिदे हुए लोगों को एंड टेंस ऑफ अ सब्जेक्ट और वो टेंस कौन सा है पास प्रेजेंट फ्यूचर उसको नॉन फाइनेट वर्ब का नाम दिया गया है फॉर एग्जाम्पल रमेश ट्राई टू सिंग वी ट्राई टू सिंग डे ट्राई टू सिंग रमन और रमेश अँ पे नाम दिया गया है ट्राइस टू सिंग उसने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का नाउ हम देखेंगे कि अब आगे चल के जो आज हमारा टॉपिक है जैर एन इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल्स उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बताई हुई है आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग जैर और मोस्ट प्रोबेबली इन्फिनेटिव जो है वही हम लोग कवर करेंगे पार्टिसिपल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स विच बीन सॉ एक्चुअली इट इज मोर देन टू टाइप्स बट हमने यहाँ पे दो वर्ब देखे फाइनाइट और इनफाइनाइट अब नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट इज अ वन एंड अ सेम थिंग तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है उसके तीन प्रकार है द इनफिनिटिव देन नेक्स्ट इज जेर एंड थर्ड इज पार्टिसिपल

With or without a particle, to. Therefore, do and to do, be and to be, and so on are infinitives. Student, आपको आज के लिए definition learn करनी है और, in short, definition का मतलब ये याद रखना है, कोई भी वर्ब के आगे to, to लगा दिया जाए तो उसको infinitive का नाम दिया जाता है. अगेन आई एम रिपीटिंग कोई भी वर्ब यानी काम के आगे टू यानी टी ओ टू लगा दिया जाए उसे इन्फिनेटिव बोला जाएगा आई होप यू हैव बिन लिसनिंग मी वेरी केयरफुली मैं आपको वॉइस एंड वीडियो कॉल के थ्रू ये चीजें पूछूंगा जब मुझे टेस्ट सरप्राइज लेनी होगी तो सो अगेन आई एम रिपीटिंग इन्फिनेटिव क्या होता है यस यू आर राइट इन्फिनेटिव मतलब कोई भी वर्ब यानी काम क्या क्या टी ओ टू लगा दिया जाए तो उसको इन्फिनेटिव का नाम दिया जाता है लेट्स मूव अहेड एंड सी डिनेटिव ये स्टूडेंट्स इन दिस इमेज वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द टू एग्जांपल्स नॉट अटेंशन वन एंड अटेंशन टू पे कोई हमको फोकस नहीं करना है वो अभी हमारे आज से रिलेटेड कोई टॉपिक उसमें कवर नहीं हो रहा है फर्स्ट एग्जाम्पल रीड करेंगे द स्टूडेंट स्टडी वेरी हार्ड टू पास द एग्जाम तो टू पास इज एग्जाम्पल ऑफ इन्फिनेटिव एंड एग्जाम्पल शी इज गोइंग टू गो टू लंडन टू लर्न इंग्लिश सो हेयर अगेन टू लर्न इज इन्फिनेटिव विच यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कोई भी वर्ब के आगे टू लगा दिया जाए तो वो इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल बता रहा है लेट अस रीड अगेन वॉट इज गिवन ऑन नेक्स्ट स्लाइड सबसे इजी चीज कोई भी वर्ब के पीछे कोई भी नाउन के पीछे अगर हम इंग लगा दें यानी कि आई लगा दें तो उसे हम जैरंड का नाम दे सकते हैं जी इ आर यू एन डी जैरन नाउ वॉट इज डेफिनेशन ऑफ जैरन लेटर सीट जैरन एंडिंग इंग डेट हैज बीन फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब कोई भी नाउन कोई कोई भी नाउन यानी कोई भी चीज का इंसान का जगह का नाम जिसके पीछे इंग लग गया हो और उसमें से अभी वर्ब फॉर्मेशन हो गया हो उसे हम जैरन बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग प्लेइंग पेंटिंग ईटिंग अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इट इज नॉट रिलेटेड टू सिलेबस बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज अनलाइक नॉर्मल नाउन जैरन कैन बी एन ऑब्जेक्ट

उसके आगे टी ओ टू लगा दिया ओके तो, तो इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल हो गया देन अगेन सेकंड एग्जाम्पल सिद्धि लाइक टू प्ले गिटार टू प्ले यानी बजाना तो अगेन टू प्लस वर्ब हो गया वो भी इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल वेरी ऑब्वियसली टू प्लस वर्ब भी है ट्री टू ले कोई फीमेल बर्ड के बारे में बताया गया है जो ऊंचाई पे नेक्स्ट बनाती है तो ले सके तो टू प्लस ले यानी ले, ले मतलब उतारना या देना ओके सो अगेन इट इज एग्जाम्पल ऑफ इंफिनेटिव सो आई होप यू हैव बीन अंडरस्टूड टू डे सेविंग आफ्टर आई विल गिव यू दर्कशीप आई होप यू है Each and every topic of today's session very clearly. Thank you.